फ्रेंड्स, अभी हम हैं रमेश सिंह मुंडा स्मारक प्लस टू उच्च विद्यालय, जो कि गुंडू में है, रांची जिला में पड़ता है। फ्रेंड्स, यह है स्कूल में एंट्री का मेन गेट और गुंडू टाउन में काली मंदिर चौक से आगे मिलने वाले बड़ा तालाब को पार करने के बाद ये जो स्कूल है मिलता है, जो कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, उसके सामने ये स्कूल बना हुआ है। और टीचर ट्रेनिंग का कॉलेज का जो वीडियो है वो भी हम पहले ही बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं अपने इस चैनल पर, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल चलिए बढ़ते हैं इस स्कूल के ब्लॉग में आगे और आपको दिखाते हैं कैसा और क्या कुछ है इस स्कूल में। हम 2005 के बाद से लगभग 15 साल के बाद हम यहाँ पर आए हैं। काफ़ी कुछ बदला हुआ दिखा हमको यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके का है स्कूल। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे क्या कुछ है, और बाद बाकी ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर और भी जो ब्लॉग आएंगे वो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे जो है सब्सक्राइब करने का बटन है लाल रंग का, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जो जो सब्सक्राइब कर लिए उनको सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना रहे तो हमको मोटिवेशन मिलता है, हौसला बढ़ता है, और हम नया नया वीडियो बनाते रहते हैं, अच्छा अच्छा वीडियो कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो लेकर आएँ और भी कोई नया जानकारी लेकर आएँ। कुछ इस तरह का है इस स्कूल का कैंपस, जिसके प्रांगण में यह प्रतिमा बनी हुई है, जो कि स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा का स्मारक स्थल है, और यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है इस स्कूल का नाम रमेश सिंह मुंडा स्मारक प्लस टू हाई स्कूल बुंडू, जो कि पहले SS हाई स्कूल बुंडू के नाम से जाना जाता था। यह स्कूल उस समय काफ़ी सुर्खियों में आया था जब 9 जुलाई 2008 को इसी स्कूल परिसर में राजनीतिक साजिश के तहत नक्सलियों के द्वारा उस समय झारखंड के तत्कालीन कल्याण मंत्री और तमाड़ विधानसभा के विधायक रहे रमेश सिंह मुंडा की हत्या कर दी गई थी। उसी घटना के बाद इस स्कूल का नाम SS हाई स्कूल से बदलकर रमेश सिंह मुंडा स्मारक प्लस टू हाई स्कूल कर दिया गया। तो अभी हम उसी का कैंपस में हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी बंद है फिलहाल लॉकडाउन में, बच्चे वगैरह खेल रहे हैं यहाँ पर मैदान में, लेकिन यह बिल्डिंग काफ़ी बड़ा है और अभी उनके स्मृति में कुछ नया बन गया है। रमेश सिंह मुंडा जो थे विधायक, यहाँ के मंत्री, कल्याण मंत्री जो थे झारखंड के, उनके स्मृति में अच्छा यहाँ पर स्कूल को और बना दिया गया है। प्लस टू है और उसका जो पुराना जो हिस्सा है अभी भी मौजूद है यहाँ पर, जो कि हम इस वीडियो में आपको दिखाई चुके हैं, और आगे भी अगर आप देखना चाहेंगे तो हम दिखा दे रहे हैं। इस स्कूल का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। अभी भी इस स्कूल के पुराने घर और अवशेष बचे हुए हैं और इसके बीते दिनों की कहानी को बयां करते हैं। इन पुराने घरों को देखकर स्वतः ही पता चल जाता है कि यह स्कूल इस क्षेत्र के काफी पुराने स्कूलों में से एक है। हम भी मैट्रिक का परीक्षा यहीं से दिए हुए थे, हालांकि हम यहाँ क्लास नहीं किए थे, यहाँ का रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे, हम कहीं और से हम क्लास रेगुलर किए थे, तो उस स्कूल को मान्यता नहीं मिला था, तो उसको यहाँ से हमको फॉर्म भरने का मौका मिला था। वहाँ से फॉर्म भरने के लिए इसी स्कूल से कॉन्टेक्ट किया गया था, तो उस तरीके से मेरा जो मार्कशीट वगैरह है यहीं से निर्गत हुआ है, यहीं से बना है, और ऑफिशियल अगर देखा जाए तो मेरा जो मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट में इसी स्कूल का नाम दर्ज है, SS हाई स्कूल गुंडू। तो उसका जो पुराना जो स्कूल का अवशेष है वो अभी भी बचा हुआ है, जबकि खपड़ा का घर हुआ करता था। तो इस तरीके का है यहाँ पर ये जो स्कूल है, आप देख लिए, हम यहाँ से मैट्रिक मेरा हुआ था, यहीं से मेट्रिकुलेशन हम किए हुए, और प्लस टू स्कूल है ये, इंटर तक की पढ़ाई यहाँ पर होती है।
कुछ इस तरीके का कैंपस है। हम आए हुए थे बुंडू ब्लॉग बनाने के लिए, तो सामने हमको यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग का कॉलेज भी है बुंडू में, जो प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है राज्य सरकार का, सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज इसी स्कूल का अपोजिट में है, रोड के उस पार है टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, रोड के इस पार ये वाला स्कूल है। तो हम वहाँ आए हुए थे और ब्लॉग बनाने के क्रम में तो हम सोचे कि क्यों ना ये दोनों जगह विजिट किया जाए, एक प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और उसके अलावा उसी के बगल में SS हाई स्कूल है। स्कूल का ये जो बिल्डिंग है उसका निर्माण सबसे बाद में किया गया है, जिसके बारे में यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। चलकर सामने से देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। स्कूल के इस बिल्डिंग से जुड़ी जानकारी दी गई है, जिसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2005 को उस समय के विधायक और कल्याण मंत्री रहे रमेश सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था, जिसके 2 साल बाद इसी स्कूल परिसर में उनकी हत्या हुई थी। आज इस स्कूल की हालत अन्य सरकारी स्कूलों की तरह ही है, जिनके मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हैं अंदर से इसके छत का हिस्सा देखने में काफ़ी डरावना लग रहा है। वहीं एक प्राइवेट स्कूल का बिल्डिंग इससे भी ज़्यादा समय तक वेल मेंटेन्ड रखा जाता है। हमेशा से सरकारी संपत्ति की अनदेखी की जाती है और सही रख रखाव नहीं होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।